हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक ये क्वेश्चन गेट 2015 के एग्जाम में से लिया गया है सेट वन में से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आसान कैलकुलेशंस है और दो मार्क्स के लिए सो लेट्स रीड इट स्टेटमेंट फिर हम इसे सॉल्व करेंगे कंसिडर अ डिस्क पैक विद अ सीक टाइम ऑफ फोर मिली सेकेंड एंड रोटेशनल स्पीड ऑफ टेन रोटेशन पर मिनट दैट इज आर It has 600 sectors per track, and each sector can store 512 bytes of data. Consider a file stored in disk. The file contains 2000 sectors. Assume that each and every sector access necessitates a seek, and the average rotational latency for accessing each sector is half of the time for one complete rotation. The total time in milliseconds needed to read the entire file is. ओके okay, तो यहां पे जो फाइल आपको एक्सेस करने के लिए कही गई है वो 2000 सेक्टर्स की एक फाइल है और साथ के साथ आपको ये भी बताया गया है कि हर सेक्टर के लिए सीक टाइम और रोटेशनल डिले अलग से लगेगा नॉर्मली ऐसा नहीं होता नॉर्मली क्योंकि फाइल कॉन्टिन्यूसली सेव्ड होती है तो सीक टाइम और रोटेशनल डिले एक ही बार लगता है बट यहां पे हम एज एज वेल हर सेक्टर के लिए consider करेंगे क्योंकि इट इज मैं हाफ ऑफ द टाइम फॉर वन रोटेशन तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि रोटेशनल लेटेंसी होगी कितनी यहां पे देखो 10,000 आरपीएम की डिस्क है यानी कि दस हजार रोटेशन एक सिक्सटी uh, सेकेंड में होंगी आरपीएम मीन रोटेशन पर मिनट टेन थाउजेंड रोटेशन पर मिनट एक मिनट यानी कि सिक्सटी सेकेंड तो एक रोटेशन के लिए देखो कितना टाइम लगेगा दैट विल बी सिक्सटी डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड तो ये आया सिक्स अपॉन वन थाउजेंड यानी कि सिक्स मिली सेकेंड ओके अब जो एवरेज रोटेशनल डिले होता है देखो यह हमारी डिस्क है और यह हेड, रीड राइट हेड अब जो भी सेक्टर आप रीड करना चाहते हो वो किसी भी ट्रैक में हो सकता है यानी कि जब हमने इसे मूव करके उस ट्रैक के ऊपर रख दिया जो ट्रैक हम चाहते हैं उसके बाद इसे रोटेट करके वो पर्टिकुलर सेक्टर हम इसके नीचे लाना चाहेंगे ओके okay. हो सकता है कि जब ये यहां पे आया उसी वक्त वही सेक्टर इसके अंडर हो जो हम चाहते हैं और हो सकता है एक पूरी रोटेशन भी लग जाए यानी कि दो एक्सट्रीम केसेस हैं जीरो रोटेशन या वन रोटेशन एवरेज केस क्या बनेगा हाफ रोटेशन तो हमारा रोटेशनल डिले होता है डिले रिक्वायर्ड फॉर हाफ रोटेशन आधी रोटेशन के लिए अगर पूरी के लिए छह मिली सेकेंड लग रहे हैं तो आधी के लिए तीन एम सेक ओके और वैसे भी ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है एवरेज रोटेशनल लिटेंसी इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ रोटेशन हाफ क्यों वो मैंने आपको बता दिया यानी कि कभी जीरो रोटेशन भी लग सकती है कभी एक रोटेशन तो हम एवरेज केस लेके चलते हैं कि ऑन एवरेज इतनी रोटेशन लगेगी ओके अब ढूंढते हैं कि एक सेक्टर को एक्सेस करने के लिए एक्चुअली टाइम कितना लगेगा यानी कि 512 सौ के लिए कितना टाइम लगेगा तो एक रोटेशन के लिए छ मिली सेकेंड लग रहे हैं यानी कि एक पूरी डिस्क एक पूरे ट्रैक पे जितना भी डाटा है वो 6 मिली में रीड किया जा रहा है एक पूरे ट्रैक पे आपको गिवन है कि ओके okay, यानी कि वन रोटेशन मीन्स सिक्स हंड्रेड सेक्टर्स और हमने देखा एक रोटेशन को चाहिए छ मिली सेकेंड्स ओके okay. अब 600 सेक्टर्स को 6 मिली सेकेंड्स लगेंगे एक्सेस करने में एक सेक्टर को कितना टाइम लगेगा ये होगा 6 अपॉन सिक्स हंड्रेड मिली सेकेंड यानी कि एक सेक्टर को चाहिए वन अपॉन हंड्रेड जो होगा पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो वन मिली सेकेंड ओके तो देखो एक्चुअली एक सेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए इतना टाइम लग रहा है यानी कि जीरो पॉइंट जीरो वन मिली सेकेंड बट उस पर्टिकुलर सेक्टर को हेड के एकदम नीचे लाने के लिए हमें सात मिली लग जा रहे हैं तीन मिली तो रोटेशनल एवरेज रोटेशनल और चार मिली का का टाइम ओके मतलब कि हम जो सेटिंग्स कर रहे हैं यानी कि हेड को मूव करना और रोटेट करना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू एक्चुअल एक्सेसिंग और ऊपर से ये कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डिस्क को रोटेट करना और सीक टाइम ये हमें हर सेक्टर के लिए लगेगा एक सेक्टर को एक्सेस करने के लिए टोटल टाइम कितना होगा एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज रोटेशन टाइम प्लस एक्चुअल डेटा ट्रांसफर टाइम ओके यू कैन नोट दिस नोटबुक एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज रोटेशन टाइम प्लस एवरेज सॉरी टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग वन सेक्टर ये होगा थ्री प्लस फोर यानी कि सेवन प्लस पॉइंट जीरो वन जो होगा सेवन पॉइंट जीरो वन टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस वन सेक्टर ये होगा थ्री अब आपकी फाइल में हैं दो हजार सेक्टर्स एक सेक्टर को एक्सेस करने में इतना टाइम लगता है तो 2000 सेक्टर्स को कितना लगेगा यानी कि 2000 थाउजेंड इंटू सेवन पॉइंटेंड इंटू सेवन पॉइंट सेवन टू हजार फोर्टीन एंड पॉइंट जीरो वन फोर्टी प्लस ट्वेंटी तो इतना टाइम लगेगा 2000 सेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए अगर एक सेक्टर को एक्सेस करने के लिए 7.01 पॉइंट लग रहे मिली लग तो आपका आंसर आया वन फोर जीरो टू जीरो मिली ओके